हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू एकेडमी सो आज के लेक्चर के अंदर हम क्लास नाइन्थ चैप्टर है उसकी जो थर्ड एक्सरसाइज एक्सरसाइज है दैट इज उसके क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं राइट right, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यह कहता है कि नेम द टू फैक्टर्स ऑन विच द फोर्स नीडेड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी इन अ गिवन टाइम तो देखिए हमने जब अपने इस टॉपिक की शुरुआत करी थी तो सबसे पहली पार्ट हमने यही स्टडी किया था इसके अंदर कि अगर हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं और किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर अगर हम उसे रोकना चाहते हैं तो वो फोर्स बेसिकली दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है तो सबसे पहला फैक्टर जो है वो है आपका मास ऑफ द बॉडी एंड नंबर टू जो है वो है आपकी विलोसिटी ऑफ द बॉडी तो ये दो वो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर आपकी जो फोर्स है वो कितनी लगानी पड़ेगी ताकि आप उसको रोक सको एक फिक्स टाइम इंटरवल के अंदर डिपेंड करता है आई होप आपको पहले क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट so क्वेश्चन में कहता यूनिट SI so सो चाहें तो हम कहते हैं तो अगर, हो, हो, अगर मैं उसका प्रोडक्ट कर दूं तो वो मुझे देता है उसका लीनियर मोमेंटम अब हम बात करते हैं कि इसका ऐसा SI यूनिट क्या होता है तो इसका ऐसा SI यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड क्योंकि अगर मैं मास इंटू विलोस्टी की बात करता हूँ ना मोमेंटो को एक्चुअली हम पी रिप्रेजेंट करते हैं मास इंटू विलोस्टी तो मास का जो एस यूनिट होता है वो के जी होता है और जो होती है वो मीटर पर सेकेंड में होती है तो ये है इसका एस आई यूनिट और यही अगर मैं सीजीएस में देखूंगा तो यहां पे मेरे पास ग्राम आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड और इसी तरीके से हम अपने एस आई एन सी जी एस यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं आई होप आपको सेकेंड क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं

और अंदर आ जाएगा डेल्टा वी मतलब चेंज इन मोमेंटम सिर्फ और सिर्फ चेंज इन वेलोसिटी पे करेगा। so में वो वेरिएबल हो जाता है इसीलिए डेल्टा के अंदर आपका एम इंटू वी दोनों लिखे जाएंगे तो मतलब अब आपका जो चेंज मोमेंटम है वो मास के चेंज पे एज वेल वेलोसिटी के चेंज पर डिपेंड करेगा ठीक है और जब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की तो कहता है 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 कि बहुत कम है तो मास जो जो वो वो आपका आपका नहीं तो तो ऐसे में भी जो आपका मास है, क्योंकि है, तो वो के अंदर रहेगा v तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना था आई होप आपको समझ में आ गया होगा तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं so, में कहता है कि शो दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन ट कंडीशन डिस रिलेशन होल्ड तो देखिए हमने जो इसका ऑलरेडी किया था अगर आपको ये derivation समझ नहीं हो तो आप में जाकर इसको जरूर देखना कि कैसे मैंने इसको derive किया था एक बार मैंने आपके सामने ये जो है, इसका आंसर पूरा का पूरा एज इट इज एक बार आपको यहाँ पे दिखा दिया है कि देखिए पहले हम इनिशियल मोमेंटम निकालते फाइनल मोमेंटम निकालते हैं फिर इसको हम सब करके चेंजिंग मोमेंटम निकालते हैं और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब होता है कि चेंज इन मोमेंटम को टाइम से डिवाइड करना तो हम उसको डिवाइड करते हैं टाइम से तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम को हम बेसिकली बेसिकलीस बोलते हैं वहां से इसकी आती है तो ये मैंने आपको ऑलरेडी वहां पे अच्छे से बताया हुआ है अगर आपने ये देखना है ये कैसे हुआ क्या हुआ तो प्लीज मेरी पुरानी जो वीडियो है उसको जरूर देखना उसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि इसको मैंने कैसे किया था तो अब देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है नेक्स्ट पार्ट कहता है कि अंडर व्हाट कंडीशन डज दिस रिलेशन होल्ड तो मैंने आपको बेटा पहले भी कहा था

को मेजर करने के लिए हमें मास देखना होता है क्योंकि मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया अब ये कहता है कि दोनों केस में जो इसका मास है एग्जैक्टली exactly सेम है इसलिए पहले केस में जब हम कंपेयर कहते हैं तो कंपेयर का मतलब होता है यू हैव टू फाइंड द रेशियो सो इनर्शिया ऑफ ए इनर्शिया ऑफ ए इज टू इनर्शिया ऑफ बी इनर्शिया ऑफ बी वो 1:1 आ जाएगा बिकॉज़ दोनों का मास क्या है सेम है So, दूसरे केस में वो कहते हैं कि मोमेंटम कंपेयर करो मोमेंटम ऑफ ए इज टू मोमेंटम ऑफ बी इज इक्वल टू मैं इसको कैसे लिख सकता हूं पी अपॉन पी बी भी इसको लिख सकता हूं बेटा सो so, जहां तक पी ए के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहां पे बेटा आपके पास आएगा मास ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ ए डिवाइड बाय मास ऑफ ऑफ बी बी वेलोसिटी मास दोनों का सेम है तो यहाँ में कैंसिल हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए एंड वेलोसिटी ऑफ बी लिख देता हूं यहाँ पे टू वी वी से वी कैंसिल होगा तो आंसर आ जाएगा वन इज टू टू तो इस तरीके से हम अपने इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो जब भी कंपेयर करने को आ जाता है तो हमेशा उसका रेशियो फाइंड आउट करना है आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि टू बोल्स ए एंड बी ऑफ मास एम टू एम आर इन मोशन विदोस्टी टू वी एंड वी रिस्पेक्टिवली कंपेयर देयर इनर्शिया सबसे पहले क्या बोला कि मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया राइट सो

अब यहां पे मास जो है एक का एम दिया हुआ है और उसकी विलोसिटी दी हुई है आपको टू वी और नीचे बेटा आपको जो मास है वो टू एम है एंड थर्ड पार्ट कहता है सेम टाइम सो बेटा एक बात आपको मैं पहले बता दूं कि फोर्स कितनी लगती है किसी बॉडी को रोकने के लिए वो एक्चुअली में उसके मोमेंटम पे डिपेंड करता है तो क्योंकि आप देख सकते हो यहां पे कि ए बॉडी और बी बॉडी पे जो मोमेंटम है वो दोनों का सेम है तभी रेशियो वन इज टू वन आई है ना बेटा तो मैं यहाँ पे पी ए पॉन पी बी लिख देता हूं जस्ट टू दिखाने के लिए कि दोनों की वैल्यू सेम है इसलिए इसका आंसर वन इज टू वन आ जाएगा तो एक्चुअली में जो फोर्स कितनी लगती है किसी बॉडी को रोकने के लिए वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका मोमेंटम कितना है अगर इन दोनों का मोमेंटम सेम है तो सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगती है उन दोनों को रोकने के लिए आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर समझ में आ गया होगा तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सो so, कहता है कि स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड वट इंफॉर्मेशन डू यू गेट फ्रॉम इट सो देखिए जब हम बात करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की तब हम कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी

नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि हाउ डज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन डिफर फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सो देखिए अगर मैं बात करता हूं न्यूटन के सेकंड लॉ की तो उसमें वो ये कहता है कि अगर मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ किसी बॉडी के ऊपर तो उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन आती है तो लॉ मतलब मतलब की तो उसका मतलब होता है कि अगर मैं किसी बॉडी के ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करता हूं तो बॉडी जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहती है मतलब अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी और अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी तो यह है आपके इस क्वेश्चन का आंसर आई होप आपको यहां से समझ में आ गया होगा तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो देखिए जब हम बात करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ के मैथमेटिकल फॉर्म की तो हम कहते हैं एफ इज इक्वल टू चेंज चेंज इन इन मोमेंटम अपॉन टाइम तो एक्चुअली में ये है मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ तो सेकंड पार्ट में कहता है स्टेट कंडीशन इफ एनी तो देखिए एक ही कंडीशन है दैट मास शुड रिमेन कॉन्स्टेंट तो यही है

कॉन्स्टेंट ठीक है ना तो आई होप आपको यहां से समझ में आ गया होगा तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कहता हैं हाउ कैन न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बी ऑप्टेन फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन तो देखिए बहुत ही आसान है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले F इज इक्वल टू एम इन टू का जो एक्सप्रेशन है हम वो लिख लेते हैं फिर हम कहते हैं कि अगर इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तो इसका मतलब उसकी जीरो हो जाएगी देखिए ना अगर आप यहाँ पे जीरो पुट कर दोगे तो A0 आ जाएगा ना अब A0 होने के दो मतलब होते हैं या तो बॉडी क्या है रेस्ट पे या तो वो मूव कर रही है विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड या इज द राइट वर्ड है तो से आपका मूव कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी बॉडी के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आपकी एक्ट नहीं करती तो उसकी जो स्टेट है उसमें कोई भी चेंज नहीं आता और यही मेरा न्यूटन का पहला लॉ था तो आई होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कहते हैं स्टेट ग्राफ टू शो द डिपेंडेंस ऑफ एक्सेलरेशन ऑन फोर्स फॉर ए कॉन्स्टेंट मासन और फोर्स के बीच में ग्राफ जो होता है मास कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन होता है नेक्स्ट कहता है फिर से आपका इंक्लाइन लाइन एक ऐसे स्ट्रेट लाइन आपकी बनेगी

तो जहां तक ऐसा यूनिट की बात है फोर्स की वो न्यूटन होता है और न्यूटन को डिफाइन करने का तरीका है कि वन न्यूटन इज अ फोर्स विच वेन एक्ट ऑन ए बॉडी ऑफ मास्ट वन के जी प्रोड्यूस एन एक्सेशन ऑफ

नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि आप इनके रिलेशन फाइंड करिए देखिए ये रिलेशन है बहुत सिंपल सा रिलेशन है वन न्यूटन क्या होता है वन के जी वन मीटर पर सेकंड स्क्र वन के जी होता है थाउजेंड ग्राम और वन मीटर स्क्वेयर हो जाता है आपका हंड्रेड सेंटीमीटर पर सेकंड स्क् टेनकी पावर फाइव हो गया और इसी को बेसिकली डाइन कहा जाता है तो ये आपका रिलेशन आया था कि वन न्यूटन टन की पावर फाइव डाइन के बराबर होता है क्लियर तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कहते व्हाई डज द ग्लास वेसल ब्रेक व्हेन इट फॉल्स ऑन ए हार्ड फ्लोर बट इट डज नॉट ब्रेक व्हेन इट फॉल्स ऑन अ कारपेट और सिमिलरली ये जो जैसे नेक्स्ट पार्ट है हमारा ये क्रिकेटर पुल इज हैंड्स बैक व्हाइल कैचिंग अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल एन एथलीट प्रेफर्स टू लैंड ऑन सैंड इंस्टेड ऑफ अ हार्ड फ्लोर व्हाइल टेकिंग अ हाई जंप तो देखिए ये सभी क्वेश्चन के जो आंसर्स है ये मेरे नोट्स में है ये मैंने आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं ये लास्ट के वो तीन एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने आपको अपने नोट्स में दिए हुए हैं तो वहां से उसको डाउनलोड करके ना एक बार अच्छे से इसको रीड कर लेना इन सभी के अंदर यही एक बार बार आपके पास जो आंसर आएगा कि क्योंकि मेरा जो एफ है जो मेरा फोर्स है वो चेंज इन मोमेंटम चेंज इन टाइम पे डिपेंड करता है ठीक है अगर मैं ज्यादा टाइम लगाऊंगा तो कम अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट करेगी उस बॉडी के ऊपर अब जैसे इस केस में मैं क्या कर रहा हूं कि बॉल को कैच करने की बात कर रहा हूं तो अगर बॉल को कैच करूंगा तो अगर मैं ज्यादा टाइम लगा रहा हूं उसको कैच करने के लिए तो टाइम ज्यादा लगेगा तो मतलब मेरे हाथ पर जो फोर्स है वो कम लगेगी तो मेरे पे इम्पैक्ट भी कम होगा उसी तरह अगर मैं बात करता हूं मेरे जैसे एथलीट की बात करता हूं मैं ठीक है अगर वो सैंड पे जंप करता है तो सैंड पे जंप करने की वजह से क्या होता है कि थोड़ा सा जो सैंड है वो दब जाता है जब उस पर वो लैंड करेगा तो मतलब उसको कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा अपने आप को रोकने के लिए तो मतलब कम फोर्सेस उस पर अप्लाई करेंगी तो ये सारी बातें जो है मैंने नोट्स में डाली हुई हैं आप प्लीज वहां से इसको डाउनलोड करके अच्छे से उसको ए, एक बार रीड कर लीजिए आपको याद ही हो जाएगा कैसे करना आपने. है आपने ठीक है आई होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा ठीक है तो आज के लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज थ्री सी के जो सारे क्वेश्चंस है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं आई होप आपको ये क्वेश्चंस और उनके आंसर समझ में आगे होंगे तो आज के लिए बस इतना ही थैंक यू सो मच